जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी फौजी भाइयों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्मी क्लासेस पे। जितने भी दोस्त हमारे नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो आप सभी को रोजाना समय से मिल जाएगी। क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हैं, सभी प्रीवियस क्वेश्चन हैं, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को करना और आप लोग अपना स्कोर जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 1 है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव? प्रथम नियम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, या फिर तृतीय नियम, या ये सभी? आपको इसका आंसर करना है। क्वेश्चन 1 आपका आपके स्क्रीन पे है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी, तृतीय नियम, न्यूटन के तृतीय नियम, जो कि आपके कारण ही जो कि जल में तैरना संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? वेग, आयतन, विस्थापन, या फिर बल? आपको इसका आंसर करना है। आपको क्वेश्चन सेकंड का आंसर करना है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? सदिश नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे आयतन। आयतन जो कि आपकी एक क्या है, एक अदिश राशि है, और सभी वेग, विस्थापन, बल, ये आपकी सभी सदिश राशि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम आपको बताना है, तरंग दैर्ध्य, आवर्तकाल, आवृत्ति, या फिर समय? आपको इसका आंसर करना है, और सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर टाइप करेंगे। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य मापता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? वह कौन सा वैज्ञानिक था जिसने बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? सेल्सियस, जूल, डेवी, या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर आप लोग याद रखेंगे, डेवी ने, जो कि आपके दो टुकड़ों बर्फ़ के दो टुकड़ों को लिया और उसको जो कि घिस कर क्या किया, घिस कर पिघला दिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? पानी में पड़ी हुई छड़ी जो कि टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, अपवर्तन के कारण, जो कि क्या होता है, जो कि पानी में पड़ी हुई छड़ आपको टेढ़ी दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का क्या कारण है? इस परिघटना का क्या कारण है, आपको इसका आंसर करना है। क्वेश्चन सेकंड आपके स्क्रीन पे है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग एक बार करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, पृष्ठ तनाव के कारण, जो कि सुई पानी के ऊपर तैरती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 7 कि निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। जितने भी दोस्त जुड़ेंगे आर्मी की सभी तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों को बहुत बहुत जो कि शुभकामनाएं। क्वेश्चन आपका 7 है, तो आपको निम्न में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? कम सबसे कम होता, तो पेट्रोल का घनत्व सबसे कम होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक हार्ट पावर कितने वाट के बराबर होता है? एक हार्ट्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 750 वाट, 600 वाट, 734 वाट, या फिर 746 वाट? सर सभी को पता होगा 746 वाट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बर्नौली प्रमेय आधारित है, बर्नौली प्रमेय किस पे आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पे, आवेश संरक्षण पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे करना है। क्वेश्चन आपका 9 है और आप लोग इसका आंसर करेंगे, तो ऊर्जा संरक्षण के जो कि आपका संरक्षण पर कार्य करती है बर्नौली प्रमेय, जो कि आपके ऊर्जा संरक्षण के जो कि आधार पर कार्य करती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ़ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होगा? बर्फ़ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, शून्य हो जाएगा, या फिर अपवर्तित हो जाएगा, या फिर अपवर्तित हो जाएगा? सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। क्वेश्चन 10 राइट आंसर होगा, घट जाएगा, ऑप्शन जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जब बर्फ़ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 65 डिग्री सेल्सियस, 95 डिग्री, 98 डिग्री, या फिर 99 डिग्री? आपको करेक्ट आंसर करना है। तो दोस्तों किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 98 डिग्री होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगर 98 डिग्री से अगर ऊपर चला जाए तो आपका सामान्य जो कि तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी, सोना, तांबा, या फिर एल्युमिनियम? आपको करेक्ट आंसर करना है क्वेश्चन 12 का, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चांदी, जो कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारता अधिक है, किसकी ऊष्माधारता अधिक है, बेंजीन की, जल की, स्वर्ण का टुकड़ा, या फिर लोहे का टुकड़ा, या फिर लोहे का टुकड़ा। तो निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारता अधिक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जल की ऊष्माधारता जो कि अधिक है, ऑप्शन जो कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है, अधिक ज्वालक पैदा होता है, भाप में हवा, भाप से हवा, गर्म हवा से, सूर्य की किरणों से, या सभी, या इन सभी से, इन तीनों से। आपको करेक्ट आंसर है तो क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए भाप, जो कि भाप के द्वारा सबसे अधिक ज्वालक पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है, किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता, तांबा, सीसा, जल, या फिर कांच। आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे करना है। क्वेश्चन 15 का राइट आंसर क्या होगा, जल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, जल, जो कि जल में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको इंडियन आर्मी की जानकारी इसी तरह समय समय पर मिलती रहेगी, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।